चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हु हैज क्रैक्ड हर मेडिकल विथ हर ओन स्टैमिना एंड हर ओन इंटेलिजेंस goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed or her voice should not be smothered like this. लड़की का और नहीं है ये नहीं समझता, लेकिन बहुत बड़ा कुछ हो गया था, बहुत बड़ा कुछ हो गया, यही समझ यही हम लोग सोचा पहले जब कॉल आया। ये तो रोने लग गया या हमारा लड़की कुछ हो गया, लड़के का कुछ हो गया। उसके बाद तो और लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। पुलिस की जांच और राज्य सरकार की जांच, क्योंकि अब ये बात भी चल रही है कि केस को सीबीआई को दिया जाए कुछ दिनों के बाद अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो इस पूरी जांच पे आप लोगों को क्या लगता है, उस जांच से संतुष्ट हैं या जांच की दिशा से संतुष्ट हैं? पुलिस पूरा कोशिश कर रहा है, अभी हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास, पुलिस पूरा कोशिश कर रहा है। इसलिए हम तो जो जिसका देश में रहता है उसके ऊपर भरोसा तो रखेंगे, और दीदी हम लोगों का माने दीदी का ऊपर हम लोगों का भरोसा है, और स्टूडेंट लोग जो आंदोलन कर रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों का समर्थन है। क्योंकि मैं आरजी घर से होकर आया हूं आज, वहां से एयरपोर्ट से सीधे वहीं गया, और वो लोग ने लगातार ये कहा कि उस पूरे परिवार को पूरी फैमिली को हमारा पूरा समर्थन है, पूरे 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 परिवार और हम लोग समर्थन कर रहा है, हम लोग भी उसका साथ है, और उधर मेरा लड़की का स्टूडेंट भी है और कॉलिग भी है, सब लोग बहुत दुख, सब लोगों का बहुत दुख मिला है, सब लोग हमारा दुख बांट रहा है, इसलिए हम लोग का थोड़ा दुख कम हो रहा है। राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से मिलने बहुत सारे अधिकारी और नेता आप लोगों से मिलने आए होंगे और आगे भी आते रहेंगे, किस तरह की अपेक्षा रखते हैं आप? आपकी क्या न्याय जैसे मिलेगा हम लोग जो आएगा उसको एक ही बात बोलेंगे, हमको न्याय दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारा लड़की जो गया है अब तो कोई तो रिटर्न नहीं दे सकता है ना, हम लोगों का न्याय चाहिए, न्याय होने से उसका आत्मा भी शांति मिलेगा, हम लोगों का थोड़ा शांति मिलेगा। मैं यहाँ पे कई सारे लोकल लोगों से बात कर रहा था जब आप अंदर थे, आप लोग पूरा आपका व्यापार है? नहीं, मैं बता रहा हूँ सर कि मैं लोकल लोगों से बात कर रहा था, और वो सभी लोग आपके परिवार के बारे में, उस बच्ची के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बता रहे थे कि बच्ची कैसे, आप 18 साल पहले आप लोग इस मकान में शिफ्ट होते हैं और इसके पहले दूसरी जगह रहते थे आप लोग, कई लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ बताई। आप लोगों को लेकर, आप लोगों का इस पूरे बंगाल में कोलकाता जैसे शहर में इस तरह की पहली घटना सुनाई देती है बहुत सालों बाद, आप लोग का क्या सोचना है सर ऐसे? ये इसके बारे में हम क्या बोले, हमको जो बोलता है तो हमको जो किया है वो तो नहीं आएगा ना, 62 साल से जो किया है और वो भी ये 20 साल से जो इतना परिश्रम कर रहा है सब एक दिन रात में पानी में बहा दिया है, और क्या बोले मैं, और इसके बाद और कुछ नहीं बोल सकता है हम इसका। ठीक है, हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा, एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 ईयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों
हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपनी अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के ला के मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूं ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31-year-old एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हु हैज क्रैक्ड हर मेडिकल विथ हर ओन स्टैमिना एंड हर ओन इंटेलिजेंस गोज टू दैट टॉप एंड बिकम्स अ प्रॉमिसिंग डॉक्टर शुड नॉट बी किल्ड और हर वॉइस शुड नॉट बी smothered like this. Prime Minister, if you are listening to me, Madam President, if you are listening to me, every word I utter, I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. I promise that every word I uttered is in the post-mortem report which is viral. Thank you.